हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 30+ क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये टेस्ट पूरा एंड तक लगाना है और 30 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे और साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग की वीडियो भी मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों को फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जरूर शेयर किया करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। दोस्तों, जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड हुई है ऑनलाइन टेस्ट की, उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोज देख सकते हैं। और आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे, उस 5 से 6 सेकंड में आप उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जल्दी से बताइए कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। बिल्कुल सही है, पहले का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बदाउनी इज द राइट आंसर। और देखिए, इनका पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदाउनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो ये भी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदाउनी इज द राइट आंसर। और देखिए, ये अकबर के दरबारी थे, जो बदाउनी थे ये अकबर के दरबारी थे। और रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया गया था वो कब किया गया था? 1589 ईस्वी में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो बिल्कुल सही है, तीसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 4, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों, हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए, सभी एग्जाम में पूछे जाने हैं, चाहे आपका एबी का हो, एसएससी जीडी हो, आरपीएफ हो, कोई भी एग्जाम, एसएससी का ही क्यों ना हो, चाहे आपका सीजीएल। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये भी अबुल फजल ने ही लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकबरनामा किसने लिखा था? बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 6, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हरि विजय इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? तो बिल्कुल सही है, 7वें का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विश्व बंधुत्व यानी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड बनाने के लिए, ठीक है। और दोस्तों, दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था अकबर द्वारा, ठीक है। और ये एक धर्म था, बस ये तीन चीज़ें और याद रखिए, 1582 अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और ये एक धर्म था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो बिल्कुल सही है, 8वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर और राणा प्रताप सिंह के। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए ना तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अकबर और राणा प्रताप सिंह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो 9 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, शेरशाह, ठीक है, शेरशाह के अधीन सेवा की थी। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर खालिस्तान वर्ष की आयु में सम्राट बना, कितने वर्ष की आयु में सम्राट बन गया था अकबर? तो जल्दी से बताइए, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। बिल्कुल सही, 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 13 साल की उम्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कालानूर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो बिल्कुल सभी को पता होगा, 13 वर्ष थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बार आता है भाई, देखिए 12वें को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर तथा हेमू के बीच। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था, बहुत बार आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ए राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा को हराया था, और जो खानवा का युद्ध हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपसे पूछा जाता है कई बार, तो याद रखिएगा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बिल्कुल सही है, बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो आगरा में हुई थी, और कब हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा, 26 दिसंबर 1530 में। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि कब हुई थी, पूरी डेट डेट नहीं पूछते हैं, बट मतलब इतना आपको ध्यान रखना है कि 1530 में, आप ये भी रख सकते हैं 26 दिसंबर 1530। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुराना किला किसने बनवाया था? तो बिल्कुल सही है, 15वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शेर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 16, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कन्नौज के युद्ध के बाद जो हुआ था उसके बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ पे ए भी हो जाएगा सी भी रहेगा, बट मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो बी राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, बुलंद दरवाजा होगा ये, ठीक है, कहाँ स्थित है ये जा होगा भाई? ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है भाई, तो सभी को पता होगा, राइट आंसर आना चाहिए। 18वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। आई होप कि आपको ये टेस्ट पसंद आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो जो अकबर है वो अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ पे करता था? इबादत खान में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रयाग नगर को अल्लाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो ये सभी को पता होगा अभी आपको, बिल्कुल सही है, 20वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो देखिए 21 का जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्नौज। ठीक है, जो कन्नौज का युद्ध था उसके बाद, और देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, तो ये भी बताइए आप जल्दी से राइट आंसर। बिल्कुल सही, 1540 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ले रखे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए 23 का राइट आंसर क्या बन रहा है। वेरी गुड, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हाजी बेगम। क्वेश्चन नंबर 24, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो देखिए ऑप्शन सी रहेगा, और इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, मिराक होगा ये, रेरवल्ठा राख, मिराक, ये मिसप्रिंट हो जाता है यार, टाइपिंग जिससे मैं कराता हूँ वो गलत कर देता है, मिराक मिर्जा ग्यास। ठीक है, ये होगा आपका, ठीक है ये होगा,
से होगा, यहाँ पे रे थे नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका मिराक मिर्जा ग्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 26, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया है आपके लिए और सभी का आंसर आना चाहिए, जो ऊपर है वही नीचे है, तो अकबर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे मतलब दोनों तरीकों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो दोनों ही तरीके आपको पता होने चाहिए, अगर ऐसे पूछा जा रहा है तब भी और ऐसे पूछा जा रहा है तब भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राम तनु पांडे। क्वेश्चन नंबर 28, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको शुरू में ही बता दिया था, तो आंसर आना चाहिए हर एक स्टूडेंट का। तो देखिए 28 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर, सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? तो बहुत बार आता है ये क्वेश्चन और 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो 30वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, बाबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका, तो जो इससे पहले क्वेश्चन था वही यही है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो लड़ाई होगा यहाँ पे, पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की लड़ाई से भी संबंधित कई प्रश्न आते हैं, अभी मैं धीरे धीरे आपको पूरी हिस्ट्री कवर कराने वाला हूँ, ऐसे 30-40 क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। तो राइट आंसर आपका 32वें का सी हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। आई होप कि आपको टेस्ट पसंद आया होगा, सभी के आंसर मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, आप इस पीडीएफ को